नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। और आज की जो वीडियो है भाई, वो रहने वाली एक ऐसे कार के ऊपर जिसने भाई बहुत इंतजार करवाया। और ये भाई सबकी फेवरेट कार है। मतलब अगर मैं 7 सीटर कार कहूँ और कहूँ भाई सबकी फेवरेट 7 सीटर कार कौन सी है, तो भाई सब लोग इसी गाड़ी का नाम लेंगे। और आप लोगों ने भी गैस कर लिया होगा, आज हम कवर करने वाले हैं मारुति की अर्टिगा वेरियंट। इसका भाई ये VXI वेरियंट, बिल्कुल लेटेस्ट ये कार लेकर आ रखा हूँ मैं भाई। जो इसका नया फेसलिफ्ट वाला वर्जन आ रखा है, वही कार हम ये कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, तो भाई इसका जो VXI वेरियंट है, इसका आपका शोरूम प्राइस करीब करीब पड़ जाता है भाई 9,48,000 समथिंग। मतलब 9.5 लाख रुपए आपको इसका शोरूम प्राइस पड़ जाएगा। और ऑन रोड प्राइस आपको इसका पड़ जाता है हल्द्वानी के अंदर करीब करीब 11 लाख रुपए। बाकी भाई अगर हल्द्वानी से बिलोंग करते हो तो एरिना के शोरूम में जरूर से आना, जो रामपुर रोड में है। इनकी लोकेशन वगैरह मैंने सब डिस्क्रिप्शन में दे दी, आपको एड्रेस वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ से गाड़ी परचेज कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट के लुक से। और सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, इसका जो आप कलर देख रहे हो, ये इसका मेटेलिक मैग्मा ग्रे कलर है। और दिखने भाई ये कलर काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि इसके अंदर भाई कलर के अंदर एक अच्छी बात यह है कि एक तो ग्लॉस वाली फील आती है और दूसरा भाई ड्यूल्टन फिनिशिंग बन जाती है। बाकी आप देख सकते हो कि जो नई वाली अर्टिगा आ रही है, जो इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट आ रखा है, इसमें भाई सबसे बड़ा चेंज कर रखा है इसके यहाँ पे सामने की ग्रिल में, जो इसमें नए डिजाइन एलिमेंट्स ऐड कर रखे हैं, क्रोम ट्रीटमेंट इस तरीके से ऐड कर रखा है, उसके वजह से भाई फ्रंट का जो लुक है काफी ज्यादा बढ़िया निकल कर आता है। अगर मैं कंप्लीट इसके लाइटिंग सेटअप की बात करता हूँ, तो इसमें आपको जो मेन लाइटिंग सेटअप है, वो आपको हेलोजन प्रोजेक्टर मिल जाएगा, बाकी नीचे आपको फॉगलाइट मिल जाता है। और सेटअप पूरा आपको हेलोजन में मिलेगा इस तरीके से। और आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर जो बोनट है, इसमें अच्छे खास आपको क्रीजेस मिल जाएंगे इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से इसका साइड से भी लुक बन जाता है। बाकी आप नीचे बम्बर का भी डिजाइन चेकआउट कर सकते हो, कितना बढ़िया इसका बम्बर का डिजाइन यहाँ पे मिल जाता है। अगर इसके इंजन की बात करते हैं, तो भाई इस कार के अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि आपको निकाल के देगा भाई 102 की BHP, 136.8 Nm का टॉर्क, जो कि अच्छी खासी पावर है, अच्छा खासा टॉर्क आपको मिल जाता है। माइलेज की बात करता हूँ, तो कंपनी क्लेम करती है 7 सीटर कार में 20.51 KMPL का माइलेज, तो भाई अच्छा खासा आपको माइलेज मिल जाता है। मतलब 20.5 का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, तो आप हाईवे में बड़े आराम से भाई 1819 का माइलेज इस कार में निकाल लोगे, उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो, क्योंकि इस कार के अंदर आपको दो चीज़ें और मिलती है। एक मिलती है भाई रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और एक आपको मिलता है आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जिन भाई लोग को नहीं पता, उनका बता देता हूँ भाई, जब भी आप ब्रेक यहाँ पे दबाते हो, ब्रेक आप अप्लाई करते हो, तो उस समय जो भी एनर्जी वेस्ट होती है, वो एनर्जी दोबारा से रीयूज हो जाती है आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। और जो आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन है, वो सभी को पता है कि अगर आपने उसे दबा के रख रखा है, और कहीं पर भी अगर आपकी गाड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई है, तो गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से भाई आपका पेट्रोल जो है अच्छा खासा बच जाता है। तो इस कार के अंदर आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं। अगर मैं सेफ्टी की बात करता हूं, तो भाई सेफ्टी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, 3 स्टार आपको ग्लोबल एनकैप रेटिंग मिलती है। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी मेरे को, कंपेयर टू अदर मारुति कार्स। जब आप इसके डोर्स वगैरह खोलोगे, तो कहीं ना कहीं आपको हेवन वहां पे फील होगी। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो भाई साइड प्रोफाइल से जो गाड़ी की लेंथ है, वो करीब करीब आपको पूरी इनोवा जैसी मिल जाएगी। और इसको आप भाई एक मिनी इनोवा भी कह सकते हो। मिनी इनोवा इसलिए कह रहा हूँ भाई, साइज मिनी नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मिनी कह रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत कम प्राइसिंग में आती है। जहां भाई आपको इनोवा का प्राइस इसका डबल ट्रिपल मिलता है, वहीं पर भाई आपको अर्टिगा का जो प्राइस है, आपको ऑन रोड ही भाई 11 लाख का पड़ जाता है। तो अर्टिगा भाई मिनी इनोवा इस सेंस में मैं कह रहा हूँ। बाकी आप चेकआउट कर लो, इसका जो टायर का साइज है, वो आपको भाई 15 इंच का मिलेगा। और यहाँ पर इसमें जो आपको व्हील गैप है, कुछ इस डिज़ाइन की मिलती है, जिसकी वजह से लुक काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। और आपको इसके अंदर ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, 3 चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएगी। कंप्लीट टायर सेटअप की बात करता हूँ, तो भाई 165/65R15 का वो कंप्लीट टायर सेटअप मिल जाता है। और कुछ इस तरीके से भाई इसका पूरा यहाँ पे डोर का लुक बनता है। और जो इसमें यहाँ पे फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, वो आपको 45 लीटर्स की मिलती है। और जो फ्यूल टैंक का लीवर है, वो आपको भाई को ड्राइवर साइड मिलेगा। और डोर हैंडल आपको नए डिजाइन के मिल जाते हैं। और यहाँ पर इसका जो ए पिलर है, ये आपको बॉडी कलर मिलेगा। बाकी जो आपका बी पिलर, सी पिलर है, ये सब आपको मैट फिनिशिंग में मिलते हैं। और क्रोम ट्रीटमेंट अच्छा खासा एड ऑन हो रखा भाई, नीचे से लेके पूरा ये पीछे तक गया इस तरीके से, तो काफ़ी बढ़िया लुक वहाँ से ही बन जाता है। और आप देख सकते हैं एसेसरीज में कुछ चीज़ें यहाँ पर एड ऑन करी गई हैं। और इसके अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ, तो कार के अंदर आपको मिलता है 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि जब इस कार के अंदर भाई टोटल 7 लोग बैठ जाते हैं, तो उसके बाद जो है कार थोड़ी दबती है नीचे को, और इतना ग्राउंड क्लियरेंस अगर आपको मिल रहा है, तो भाई चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपकी जो गाड़ी है ये स्पीड ब्रेकर में टकराएगी, या फिर अगर आप इसको गड्ढों से निकालोगे तो वहां पर ये टकराएगी। तो इन चीज़ों में जो ये ग्राउंड क्लियरेंस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। ORM की बात करता हूँ, तो भाई ये फोल्डेबल ही मिलेगा आपको, एडजस्टेबल भी मिलेगा, टर्न इंडिकेटर आपको LED में इसमें मिल जाते हैं, और साइड भी आपको काफ़ी अच्छा खासा इसमें मिल जाता है। पीछे की लुक की बात करते हैं, तो पीछे जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी, वो है इसका डिज़ाइन, इसके टेल लैम्प का। इसके टेल लैम्प के डिज़ाइन की वजह से भाई पीछे का जो लुक है बहुत ही बढ़िया लगता है। और इन्होंने यहाँ पर जो क्रोम ट्रीटमेंट दे रखा है, उसकी वजह से भी जो लुक है बहुत ज़्यादा बढ़िया निकल कर आता है। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी भाई, कंपनी ने पार्किंग सेंसर में कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी, आपको 4 पार्किंग सेंसर दे दिए और 2 आपको रिफ्लेक्टर दे दिए। बाकी आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी, अर्टिगा की बैजिंग मिल जाएगी, और स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाएगी।
टेल लैम्प की बात करता हूँ तो भाई इसके जो टेल लैम्प है ये आपको एलईडी में मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस तरीके सर्कल बने हुए हैं ये सब एलईडी वाले सर्कल हैं। बाकी टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लाइट है ये आपको हैलोजन में मिल जाती है। तो पीछे से कंप्लीट लुक आप इसका चेकआउट कर लो अच्छे से। और अब बात करता हूं इसके बूट स्पेस की यहां से, उसके लिए यहां पे बटन दे रखा है, इसको प्रेस करते हैं। तो पहले आप साइज चेकआउट कर लो, अच्छा खासा आपको यहां पे साइज मिल जाता है इस तरीके से। और जैसे आपकी पीछे की सीट्स हैं ये आपने अगर फोल्ड नहीं करी है और इस तरीके से आपने इसको रिक्लाइन कर रखा है, यहां पे मैं कर देता हूं पहले कंप्लीट तरीके से, तो ये स्पेसिंग आपके लिए करीब करीब 200 लीटर की मान के चलो इतनी आपके लिए बन जाती है। और ये इनफ है यार, इतनी अगर स्पेसिंग बन रही है तो छोटे मोटे जो आपके बैग हैं वो तो आराम से इसमें आ जाएंगे। हाँ, 7 लोग के इसमें बैग तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन इतना है कि हाँ भाई आपके बैग इसमें आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बाकी जो पीछे की थर्ड रो की सीट्स है उसमें आपको इस तरीके से एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी मिल जाता है, इसको उठा देते हैं। जो पीछे की थर्ड रो है वो आपको 50-50 स्प्लिट सीट के साथ मिलती है, और जो सेकेंड रो है ये आपको 60-40 के साथ मिलती है। और पीछे से आप अच्छे से चेकआउट कर लो कंप्लीट। और अब बात करते हैं इस कार के इंटीरियर की यहाँ से। तो इंटीरियर में भाई सबसे पहले बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के, और जहाँ पे डैशबोर्ड है ये आपको मिल जाता है स्प्लेंडेड सिल्वर कलर का और डिग्निटी ब्राउन कलर का, बाकी आपको बीच कलर भी मिल जाता है। और यहाँ पर जो इसके एसी वेंट है इसमें आपको भाई ब्लैक कलर की मैट फिनिशिंग मिल जाती है। तो आप कह सकते हो भाई ये क्वाड टोन है, मतलब आपको 4 टोन मिल जाते हैं अलग अलग कलर के। और अगर मैं डोर की बात करता हूँ तो आपको ये पूरा बीच कलर में मिलेगा, बाकी यहाँ पर आपको इस तरीके से डिग्निटी ब्राउन कलर मिलेगा, मतलब वुडन फिनिशिंग कह सकते हो इसे, मैट कलर की वुडन फिनिशिंग है, काफ़ी बढ़िया लुक मारती है। और यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल जाता है पावर विंडो के और ORVM के। और भाई पावर विंडो में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि वन टच डाउन और वन टच अप के साथ आती है। नीचे स्पेसिंग मिल जाती है पानी की बोतल को कैरी करने के लिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हो। 4 आपको स्पीकर मिल जाता है कार के अंदर, बाकी यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है आइडल स्टार्ट स्टॉप का और फॉग लैंप को ऑन ऑफ करने का। और नीचे स्पेसिंग मिल जाती है, यहाँ भी आप छोटे मोटे सामान अपने कैरी कर सकते हो, लाइक थोड़े पर्चे वगैरह रहते हैं, कॉइन्स वगैरह रहते हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हो। सीट की बात करता हूँ तो भाई जो सीट का साइज आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, लेकिन हाँ इस कार के अंदर जो ये VXI वेरिएंट है इसमें आपको लेदराइज सीट्स नहीं मिलती है, ये इसका सीट कवर है। इसके अंदर आपको फैब्रिक सीट मिलेगी जो कि 6-way एडजस्टमेंट के साथ आती है, मतलब कि इसमें आपको कोई भी सीट हेड एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो, इसका जो बैक सपोर्ट है उसको आगे पीछे कर सकते हो, इसके हेड रेस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन सीट की हाइट है वो भाई 6 रहेगी। और जो यहाँ पर थाई सपोर्ट की जो पूरी लेंथ है ये आपको अच्छी खासी मिल जाती है, और बैक सपोर्ट आपको ठीक ठाक मिल जाता है इसमें। और अगर सीट के कंफर्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो थाई सपोर्ट में कोई परेशानी नहीं है, बैक सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, और हेड सपोर्ट भी बढ़िया मिल रहा है आपको, और हेडरूम स्पेस आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ओवरऑल जो भाई फ्रंट की सीट्स है उनमें सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है, पर सीट में एक ही फ्लॉ है कि भाई सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। अगर सीट हाइट एडजस्टमेंट होता तो बहुत ज्यादा बेटर हो जाता उन लोगों के लिए जिनकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है, तो उन्हें को परेशानी होती है। लेकिन मैं वैसे कहना चाहूंगा कि जो सीट है ये कमांडेबल पोजीशन में, और हर गाड़ी की जो सीट्स होती है ये कमांडेबल पोजीशन में ही होती है, तो जो फ्रंट का पूरा व्यू रहता है वो आराम से आपको दिख जाएगा। हाँ, बम्बर टू बम्बर ट्रैफिक में आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि भाई गाड़ी का जो बोनट है इतना आसानी से विजिबल नहीं होता है, आपको थोड़ा ऐसा आगे झुक के देखना पड़ेगा। और बाकी मैं कहूंगा कि हाँ जो सीट है ओवरऑल काफी ज्यादा बेटर है, यहाँ पे नीरूम स्पेसिंग में आपको अच्छी खासी मिल जाती है। और अगर यहाँ पे स्टेयरिंग की बात करते हैं तो जिसको जो स्टेयरिंग है ये फ्लैट बॉटम वाला आपको मिलेगा, 3-spoke वाला, इसके अंदर आपको मोटर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करोगे, बाकी कॉल को उठाना काटना, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना, ये सब चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। क्रोम ट्रीटमेंट यहाँ भी एड ऑन हो रखा है, और इसके वजह से ना एक प्रीमियम टच आया था स्टेयरिंग व्हील के अंदर, हालांकि इसके अंदर आपको कोई लेदर टच वगैरह नहीं मिलेगा, पूरा आपको नॉर्मल सा स्टेयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन ये है कि हाँ भाई क्रोम ट्रीटमेंट ऐड होने की वजह से प्रीमियम टच तो पूरा मिल जाता है आपको इसके अंदर। बाकी स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करता हूँ तो इसमें आपको सिर्फ टिल्ट मिलेगा, मेरे हिसाब से टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। हाँ, तो सिर्फ आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। और आपको मैं पहले चाबी दिखा देता हूँ, फिर गाड़ी का मैं आपको स्पीडोमीटर भी दिखाऊंगा। तो आपको 2 की मिलती है इस तरीके से, और इसके अंदर आपको रिमोट की फंक्शनैलिटी मिल जाती है, तो लॉक अनलॉक आप यहीं से कर सकते हो गाड़ी को। और अब हम गाड़ी को पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चाबी लगाते हैं साइड से और गाड़ी को यहाँ से ऑन कर देते हैं। तो जो भाई इसका स्पीडोमीटर का लुक है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, और 2 आपको कब जैसे मिल जाता है, जैसा आपको सेम XL6 का मिलेगा वैसे आपको इसमें मिल जाएगा, टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों आपको मिल जाएंगे, और सब चीज़ आपको निडल वाली मिलती है, लाइक ऑयल टेम्परेचर, गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना, ये सब आपको यहाँ पे कंप्लीट निडल वाला सेटअप मिलेगा। बीच में आपको ट्रिप मीटर मिलता है जो कि मल्टीपल इन्फॉर्मेशन शो करेगा, और उसको जानने के लिए भाई यहाँ पर जो बटन दे रखे हैं इसको आपको प्रेस करना पड़ता है इस तरीके से, लाइक आपका आइडियल स्टार्ट स्टॉप टाइम क्या है, और आपकी डेट टाइम टॉर्क और पावर हो गई, बाकी आपकी जो स्मार्ट हैबिट में आपकी जो छोटी सी बैटरी पीछे भी लगी है ये सब चीज़ आपको मिल जाती है, और बाकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी है भाई सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी ट्रिप भी आप यहाँ पर जो लेवर दे रखा है उससे जान सकते हो।
और अगर मैं सेंटर कंसोल की बात करता हूँ, जो भाई डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो इसमें इंफोटेनमेंट मिलता है, ये बहुत बेसिक सा आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारपे वाली सुविधा कोई भी नहीं मिलेगी। छोटी सी भाई स्क्रीन मिलती है, लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा उन्होंने स्मार्ट मूव कर रखा है, स्मार्ट प्ले करा है कि यार इसको इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि भाई दूर से देखने में लगता है कि भाई ये कंप्लीट एक आपको बड़ी सी एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारपे वाली डिस्प्ले मिलती है 7-8 इंच की, लेकिन एक्चुअल में छोटी सी आपको मिलेगी जो कि ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ आती है। और इसमें आप ऑक्स लगे गाने सुन सकते हो, बाकी यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा टच करके कर सकते हो इसके। और नीचे आपको फंक्शनलिटी मिल जाती है, यहाँ पर 1000 लाइट का बटन आपको यहाँ पर मिलेगा। और नीचे आपको एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं सारे इस तरीके से, और ये मैनुअल एसी का सेटअप है। यहाँ पर अपना फ़ोन कैरी कर सकते हो, यहाँ पर आपकी 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट की फंक्शनलिटी हो गई, और नीचे आपको यहाँ पे USB का ऑक्स हो गया, पेन ड्राइव हो गई, सब यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे फ़ोन रखने की स्पेसिंग अच्छी है। अब यार अर्टिगा लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहता है कि भाई इसके अंदर आपको कप होल्डर के लिए भी यहाँ पर आपको इस तरीके से कूलिंग मिल जाती है। आप चाहो तो कूलिंग ऑफ भी कर सकते हो, कूलिंग ऑन भी कर सकते हो। तो यार यहाँ पर जैसे हमारी कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी है, पानी की बोतल रखी है, तो भाई वो ठंडी रहेगी। और 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब यार मेरे को ऐसा लगता है कि भाई 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, और ये गाड़ी मेनली जो है भाई हाईवे में चलने के लिए बनी रहती है, तो यार इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स तो देना चाहिए था। अब जो इसका AGS आता है, ऑटोमेटिक वाली जो गाड़ी आती है इसमें अर्टिगा के अंदर, उसमें तो 6 स्पीड का ऑटो गियरबॉक्स दे दिया, लेकिन भाई इसके अंदर भी तो दे देते ना यार 6 स्पीड का गियरबॉक्स, तो बढ़िया रहता यार। बाकी आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा इस तरीके से। और ग्लव बॉक्स की बात करता हूँ, तो भाई ग्लव बॉक्स के अंदर आपको स्पेसिंग अच्छी खासी मिल जाती है यहाँ पर। और यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको सिर्फ को ड्राइवर साइड मिलेगा, और ये आपको नॉर्मल से मिलता है, ऑटो डिमिंग के साथ नहीं आता, लेकिन हाँ इसको आप ऐसे ऊपर नीचे इसको कर सकते हो, यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी मिल जाती है। और लाइट आपको सामने मिल जाएगी। तो कंप्लीट भाई फ्रंट की बातचीत कर ली है, अब चलते हैं भाई पीछे के दरवाजे में, उसे खोलते हैं और फिर देखते हैं भाई पीछे कैसी स्पेसिंग मिलती है। और सबसे पहले भाई आप यहाँ पे चेकआउट कर लो पूरे दरवाजे का साइज, अच्छा खासा बड़ा साइज मिल जाता है, क्योंकि थर्ड रो के अंदर भी जो एंट्री होने वाली है ना, जहाँ पे पीछे की सीट्स हैं, अगर आपको वहाँ घुसना है तो भाई यहीं से घुसना पड़ेगा। इसलिए जो दरवाजे का साइज़ है अच्छा खासा बड़ा मिल जाता है, ताकि अंदर घुसने में उतरने में कोई परेशानी ना हो। और आप पहले चेकआउट कर लो पूरे सीट का डिज़ाइन यहाँ पे, और ये जो भी आप कलर देख रहे हो सीट का, ये इसके सीट कवर का कलर है। वैसे इसमें फैब्रिक सीट्स मिलेगी, मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो सीट का यहाँ पे जो ओरिजिनल सीट्स आती हैं उसकी फ़ोटो मैं लगा दूँ। बाकी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे इस तरीके से, आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा, इसके अंदर कोई कप होल्डर नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये नीचे गिरता नहीं है भाई, अच्छे से फिक्स हो जाता है। और साइज़ आपको डिसेंट सा मिलेगा, दो लोग अपने हाथ यहाँ पे रख लेंगे। बाकी भाई ये जो सीट है ये 60-40 के साथ आती है, मतलब ये आधी जैसे 60 रेशियो में ये नीचे हो जाएगी, बाकी वो 40 रेशियो में नीचे हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि भाई 60-40 का स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाएगा, और आप चाहो यहाँ से लीवर प्रेस करके इसको आगे पीछे कर सकते हो। चलो बैठता हूँ पहले, और आगे की जो सीट है भैया पहले चेकआउट कर लो, मैंने बहुत पीछे करी है, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा वो सभी सीट के हिसाब से बताऊँगा। तो आप देख सकते हो कि भाई हम भी पाँव मेरे टच हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं, पूरी सीट है मैंने पीछे कर दी थी, क्योंकि मेरे को ये कैमरे से शूट करना होता है मोबाइल के, तो भाई अल्ट्रा वाइड बनाना होता है, तो बहुत ज़्यादा पीछे से शूट करना पड़ता है। तो इसकी तो हम खैर बात करेंगे नहीं, आपको अच्छी खासी यहाँ पे स्पेसिंग मिल जाती है। थाई सपोर्ट की बात करता हूँ, तो भाई थाई सपोर्ट आपको काफ़ी बेटर मिलेगा, बैक सपोर्ट में भाई कोई दिक्कत नहीं है, और हेडरेस यहाँ पे मिल जाते हैं तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। और अगर यहाँ पे हेडरूम स्पेस की बात करता हूँ तो वो भी भाई आपको अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी AC वेंट भाई आपको इस तरीके से मिलेंगे पीछे की तरफ, और आगे भी आपको मिल जाते हैं इस तरफ, और यहाँ भी मिल जाएंगे आपको आगे की तरफ को, ठीक है। और पीछे आपको इस तरीके से पूरे AC वेंट मिल जाते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पर भी आपको चार्जिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डोर की बात करता हूँ, तो भाई यहाँ पे पानी की बोतल कैरी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हो, स्पीकर आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। आपको फिर से चेकआउट करा देता हूँ मैं, कंप्लीट भाई सीट आप अच्छे से देख लो। अब चलते हैं भाई थर्ड रो की तरफ को, वहाँ जान लेते हैं कि सीटिंग कम्फर्ट कैसा बन रहा है। उसके लिए भाई सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं इसको भाई ऐसे नहीं कंप्लीट बंद करना पड़ेगा, फिर यहाँ से लीवर प्रेस करना पड़ेगा, और इसको मैं हल्का सा आगे कर लेता हूँ, तो भाई स्पेसिंग बन जाती है पीछे बैठने के लिए। चलते हैं पीछे की सीट्स में, यहाँ पर इस तरीके से। तो थर्ड रो के अगर सीटिंग कंफर्ट की बात करता हूँ, तो भाई सभी को पता है जो थर्ड रो को सीटिंग कंफर्ट रहता है वो इतना ज़्यादा बेटर नहीं रहता है। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट चीज़ बताऊँ, तो भाई देखो जो यहाँ पे बच्चे रहेंगे ना छोटे छोटे, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि उनकी थाइस भी छोटी होती है, उनकी बैक भी छोटी होती है, उनकी हाइट भी छोटी होती है, तो उन्हें पीछे की सीट्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान बैठ रहा है जो भाई एडल्ट है, 5 फुट 11 इंच जैसे मेरी हाइट है, 6 फीट उसकी हाइट है, उससे ज़्यादा उसकी हाइट है, अच्छा खासा वो मोटा है, तो भाई वो पीछे भाई बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करने वाला है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मेरे को तो यहाँ पे ठीक लग रहा है, थाई सपोर्ट उतना बेटर नहीं है, लेकिन अगर मैं थर्ड रो को देख के बताऊं तो भाई बढ़िया लग रहा है। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी मुझे पीछे की सीट की,
कि भाई ये बिल्कुल नीचे नहीं है। जैसा मैं आप गाड़ियों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक नई कंपनी सेवन सीटर लेकर आ रही है, उसकी जो सीट है भाई वो बिल्कुल नीचे दबी हुई है। इसमें वैसा वाली परेशानी नहीं है भाई, कम से कम पीछे बैठ के आपको ऐसा लगेगा कि आप कहां नीचे घुस गए हो यार। बढ़िया आपको भाई पीछे की सीट मिल जाती है, तो थाई सपोर्ट लेकिन नहीं है कि आपको बेकार मिलेगा, उतना मैटर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सीट की लेंथ है वो उतनी लंबी नहीं है। लेकिन बैक सपोर्ट की बात करें कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, उसकी बात करूँ हेडरेस्ट मिलने की वजह से भाई अच्छा सपोर्ट हेड को मिल रहा है, बाकी सीट में रिक्लाइन कर रही थी पीछे। और हेडरूम स्पेस भाई यहाँ पे ना के बराबर ही है, बार बार यहाँ पे टच हो रहा है, लेकिन ये है कि भाई अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी, मेरे को कंफर्टेबली फील कर रहा मैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं लेगरूम स्पेस की बात करता हूँ तो डिपेंड करता है भाई आगे वाला बंदा कितना आगे पीछे करके बैठा हुआ है। बाकी पीछे थर्ड रो में भी आपको यहाँ पे कप होल्डर मिल जाएगा, बड़ा सा कप होल्डर मिल जाएगा, तो बड़ी पानी की बोतल कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे विंडो का साइज देख लो, ये जो इसका क्वार्टर पैनल है, क्वार्टर ग्लास में कहूंगा इसको, जो कंप्लीट तरीके सील्ड रहता है भाई, ओपन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा साइज मिल जाएगा, तो बाहर आराम से देख सकते हो। और यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल बार मिल जाता है सिक्स वाला, लाइटिंग आपको पीछे भी मिल जाती है, ग्रैब हैंडल बार यहाँ भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको सीट बेल्ट मिल जाएगी इस तरीके से, और एक आपको यहाँ पे कप होल्डर बड़ा सा यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो अगर बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि भाई ये गाड़ी किन के लिए बेटर है, किन के लिए बेटर नहीं है, तो यार ये गाड़ी सभी लोग के लिए बेटर है जिनको एक सेवन सीटर कार चाहिए, एक कम बजट के अंदर एक अच्छी कार चाहिए। तो भाई ये गाड़ी बहुत बढ़िया आपको मिल जाती है, रिफाइंड आपको इंजन मिलेगा, बढ़िया आपको अंदर स्पेसिंग मिल जाती है, फीचर्स आपको अच्छे खासे इसके अंदर मिल जाते हैं, कोई भी फ्लॉ इस गाड़ी के अंदर नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि भाई मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी वो बेकार है, तो भाई आप इस कार को आगे पर्सनली टेस्ट करो, आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी मारुति की और कार से आपको काफी ज्यादा बेटर मिलेगी। तो आई होप आज की जो वीडियो है भाई आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, आपकी सपोर्ट की भाई बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। और मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्दी से एक नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।